सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अरविंदरपाल सिंह रॉयल ट्रैवल्स तो और लगभग 24 साल तो 1999 तो हमेशा तेरे वो सारिया सांझिया खबर करते रहे जड़िया कि तेरे लिए वाकई मायने रखदिया ने और इन जानकारी बहरले मुल्कों में जाने का सफर बहुत सुखाला रहा है। सो शो के कॉल्स भी लवेंगे, तेरे कुछ मुद्दे ने जोड़े तेरे अपने एप्लीकेशनस ने वह भी गलबात करा। उस तो पहला कुछ संखेप जानकारियां जिड़िया कि अजक अंबैसीज के हालात बयान कर और वह तय करनगियां कि आने वाला वरा आने वाला समा या रिंदा समा ये किस तरीके का प्रडिक्शन भविख हो सकता है, तुहाड़ियां एप्लीकेशन का की हाल हो सकता है। सो दोस्तों बहुत देरी नहीं करते हैं, सब तो चंगियां खबर इस समय के कैनेडा के वलों ने। कैनेडा हालांकि बहुत सारे नैगेटिव खबर भी सुनिया ने, बट चंगियां की ने कि कैनेडा ने अपना वीज़ा कोटा काफ़ी इनक्रीज किया है स्टूडेंट्स लिए। हुण उस तो बाद जो स्टूडेंट्स का जोड़े नॉर्मल स्टूडेंट्स जाते लगभग दुगने स्टूडेंट कर दिए गए हैं। सो इस साल का कैनेडा का कोटा लगभग 9 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सद्दा देने का है, भावें कि उत्थे महंगाई बढ़ रही है, बट यही एक तरीका है जिदे नाल महंगाई के उपर काबू पाया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स का जाना बरकरार रहेगा और कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स की इको एक निशानी है, इको एक तरीका है। कैनेडा जाना चाहते हो, कैनेडा दे विच इको एक फॉर्मूला चलता है, चाहे जिन्नियां मर्जी रिलैक्सेशन आ जाए, जिन्ना मर्जी नंबर वजे। सो बेसिक जिहड़ा प्रिंसीपल आ वह रहने वाला है 12-6-18। सो 12 पढ़िया 6 बैंड 18 साल का स्टूडेंट, यह कैनेडा का बेस्ट पिक स्टूडेंट आ। सो अगर तुहाड़ियां एप्लीकेशन इस फॉर्मूले के नेड़े ने तो वीज़ा लैना बहुत ऑटोमैटिक आ, बहुत आसान है। सो अगर तुसीं इस तो अगे जाओगे एप्लीकेशन तो यह उन्ना क मुश्किल होंदा जाऊगा। गैप्स के उपर वीज़ा ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं आता, बट उन्ना क चैलेंजिंग हो जाता है। 5.5 के उपर आने वाले समय के वीज़ाज आ सकते हैं, बट अगेन चैलेंजिंग हो सकता है। सो मैच्योर स्टूडेंट्स लई इत्थे प्रॉब्लम हो सकती है, यस तुहानूं इहदा ख्याल रखना पवेगा। सो कैनेडा एक ऐसा कंट्री है जिन्हें बहुत ज़्यादा साथ दिता इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, खास करके पंजाब का, बिकॉज सब तो वध फाइनैंशियल इंडिपेंडेंस देने विच कैनेडा का ही हाथ है और आने वाले समय के कैनेडा इज़ गोइंग टू स्टे फॉर एवर। ये पक्का मुल्क है, ये पक्का समा रहने वाला है इतने। सो तुम अपनी कैनेडा एप्लीकेशन साढ़े ना ला सकते हो और वो सब तो वड्डा वाधा आ कि तुम 5.5 वाली एप्लीकेशन आनू भेज सकते। अं तुहाड़ी एप्लीकेशन रिव्यू करा, उस जिहड़ियां एप्लीकेशन पॉजिटिव ने उन्होंने जरूर पावे, बिकॉज अल्टीमेटली वीज़ा तो बिना तुहाडा भी नहीं सरदा और वीज़ा तो बिना साडा भी नहीं सरदा। सो सो सैकेंड नंबर के उपर इस समय जी खबरां ने वो यूएस तो ने। सो यूएस दे विच वीज़ा कोटा लगभग कुछ महीने पहले तय हो गया सी। सो दिस इज 1 मिलियन वीज़ास। सो 10 लाख वीज़ास ने कले अमेरिका नू, कले इंडिया तो। सो कले इंडिया लिए इन्ना वड्डा कोटा सिरजिया गया है जिहदा मतलब यह है कि यह एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिहदी चाहत तकरीबन हर स्टूडेंट नू रहिंदी है। सो स्टूडेंट किसी भी जगह चल जाए उत्थों हमेशा कोई ना कोई मन दे विच एक फुरना फुरदा कि चल नहीं सूत्र आऊगा तो गां निकल जाएंगे। सो जो गां का गां है वह अमरीका आ। सो जिदा मक्यों परे उजाड़ आ, सो अमरीका तो गां कोई मुल्क नहीं रह जाता। सो और अमरीका ने काफ़ी कोटा इनक्रीज किया आ जिदा करके इस समय के सितंबर के साडे सोशल मीडिया पेजेस उपर वेखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीज़ाज आए हैं और यूएस के लिए अगर तेरे वीज़ाज की एलीजिबिलिटी की आ जिदा कैनेडा की 12-6-18 आ, यूएस के लिए की रहन वाला यूएस दे विच इकलौता फार्मूला आ। सो अगर तुसी इंग्लिश दे विच गलबात कर सकते हो, अगर अंग्रेजी बोल सकते हो, यह वीज़ा नहीं रुकता। रॉयल ट्रैवल्स अच पीटीसी के पूरे परिवार के सामने एक चीज़ की तुहानू गरंटी कर सकता है कि तुसी अंबैसी जाओगे हर एक अक्खर जो तुहानू पुछया जाना तुहानू पहला तो पता होगा और यूएस इंटरव्यू दे विच हर वो अक्खर जिहड़ा तुसी जवाब देना वह भी तुहानू पहला तो पता होगा। सो ऑल वी नीड इज़ कि वह स्टूडेंट जिहड़ा अंग्रेजी च गलबात कर सके। उस तो पहला तुहाडी पृष्ठभूमि कोई कहिंदे तुहाडे कोल 10 रिफ्यूजल्स ने, 2 रिफ्यूजल्स ने, नंबर घट ने, 50% तो थले ने, डजन मैटर। सो यूएस दे विच वह स्टूडेंट वीज़ाज हासिल करते हैं जिहड़े मैच्योर स्टूडेंट्स ने।
कैनेडा तो बिल्कुल उल्ट, वो स्टूडेंट्स जिहड़े मैच्योर स्टूडेंट्स ने, जिहड़े ज्यादा उम्र दे ने, जिन्हां कोल तजर्बा आ, जिन्हां कोल एक्सपीरियंस है, जिन्हां दे पढ़ाइयां दे विच गैप आ, वो वाले स्टूडेंट कैनेडा की जगह से अमरीका दे विच सब तो वधिया फिट आते हैं। सो तुसीं अपने प्रोफाइल के उपर यह वेखना कि तुहाडा जिहड़ा एप्लीकेशन आ, तुहाडा प्रोफाइल आ, वह किस कंट्री दे विच फिट बैठदा और उत्थे अप्लाई करना है। बहुत सारिया तरह तरह दी मशहूरियां वेख के असीं उन्हां च गुमराह नहीं होना, कोई एजेंट जो मर्जी कही जाण। सो जब तक तुसीं अपनी रिसर्च नहीं करोगे, जब तक तुसीं पता नहीं लाओगे, तद तक वीजा दे हमेशा ही कितना ना कितें भंबल भूसे च फसे रहोगे। सो कलैरिटी चाहिए आ, तुसीं जिन्नी वध तों वध रिसर्च करोगे उन्नी तुहाडे कोल कलैरिटी आएगी। और इस दे नाल ही तीसरे नंबर ते सब तो वड्डी खबर इस टाइम यूके दे विचों आ। यूके वह कंट्री आ जिहदे विच पिछले कुछ समय दे विच बहुत बहुत ज्यादा तब्दीलियां आईयां ने। सो यूके ऐसा कंट्री है जिहदे विच असीं जाण बारे पहलां सोचिया नहीं जा सकदा सी। वन ऑफ द वेरी टफेस्ट वीजास, इत्थों तक कि स्टूडेंट वीजा भी बहुत टफ सी, टूरिस्ट वीजा भी बहुत टफ सी, और स्टूडेंट वीजा लगभग पिछले 10 साल तो बंद सी। फिर ब्रैगजिट का दौर आया, फिर वह दरवाजे खुले जिहड़े कभी खुल नहीं सकते। सो अज के समय के यूके दे विच तुसीं स्टूडेंट जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, उत्थे जाके पी आर लै सकते हो, और ये नाल नाल स्टूडेंट दे विच भी इस समय स्टूडेंट्स कोल मौका आ। इस समय नवंबर और जनवरी इनटेक दीआं क्लासेस ओपन ने, और ये नाल नाल एक होर जिहड़े मैच्योर स्टूडेंट्स ने जिन्हां दे कोल ग्रैजुएशन आ जां वड्डी उम्र के स्टूडेंट्स ने, वह डायरैक्ट जॉब्स उपर जा सकते हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी अज तक हिस्टरी दे विच कदी नहीं हुई सी। सो तुसीं डायरैक्टली काम दे उपर यूके दे विच जा सकते हो, ये अज तक कदी इतिहास विच नहीं होया सी। पिछले 24 साल दे विच मैं नहीं वेख्या, पर अज दे समय विच ये सच आ, और इहदे नाल तुसीं अपने डिपेंडेंट्स, स्पाउस, बच्चे वो सारे नाल दी नाल जा सकते हैं। और यूके दे विच इस समय जाना काफ़ी मैथेमैटिकली पॉसीबल है, बट थोड़ी बहुत टेक्निकल रिसर्च चाहिए आ, ता कि जिहड़ियां चीज़ां जिहड़े वीजा तुसीं लैना चाहते हो वह जरूर हासिल कर सकन। सो दोस्तों तुहाडी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चलिया, असीं कॉल्स लैनियां शुरू करन लगे हां, तुसीं कॉल सानूं कर सकते हो, बट तद तक जांदे जांदे किसी भी तरह दीआं एप्लीकेशन तुसीं साडे नाल लाउणा चाहुंदे हो, तुसीं साडे व्हाट्सएप नंबर दे उपर अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे, उस तो बाद मैं और मेरी टीम असीं तुहाडे नाल वापस राबता कायम करांगे, और जिथे लई तुहाडी एप्लीकेशन सब तो बेहतर जा सकती है तुहानूं वह सलाह मिलेगी। और सलाह मिलेगी वह इदां दी होएगी कि वाकई उस तो बेहतर कुछ हो नहीं सकेगा। ठीक है, स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी जी, हुक्म करो, की जानकारी चाहिए है। बहुत वधिया प्रोफाइल है, बड़ा फर्स्ट क्लास इहदे उपर वीजा आ जाएगा, बिकॉज़ तुसीं नॉन मेडिकल कीता है, और यूएस दे विच असल तुसीं 4 साल दी बैचलर्स डिग्री लई जांदे हो, और वीजा कैटेगरी तुहानूं शुरू च F1 दे विच शुरू च 5 साल दा वीजा मिल जांदा है। एंड यू गॉट वंडरफुल प्रोफाइल, और इहदे विच तुहाडी स्पोकन दे विच स्कोर किन्ना आ? इंटरव्यू की होगी, और असीं गारंटी कर सकते हैं कि अंबेसी जाओगे तैनूं हर एक अक्षर जो पूछा जाना तैनूं पहलां तो पता होगा। अपने डॉक्यूमेंट करो, और मैं और मेरी टीम वापस रابطہ कायम करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने मैम। ओके जी, ओके, सत श्री अकाल। सो दोस्तों ये एक ऐसी कैटागरी है जिदे विच आम तौर पर वो स्टूडेंट्स वीज़ा लै सकते हैं जिहड़े जिहड़े वोकल ने, जिहड़े बोल सकते हैं। सो जिहड़े ईवन मैच्योर स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे जिहड़े साडे प्रोफेशनल्स ने, बैंकां दे विच काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी विच काम करते हैं, सो वो अगर इस कैटागरी दे विच अप्लाई करन ते उन्हां दा वीज़ा दे बहुत बहुत ज़्यादा चांसिस ने। ईवन होटल इंडस्ट्री दे, ईवन अकाउंटेंसी दे, जिन्ने भी प्रोफेशनल्स ने काम करते हैं, वो अगर यूएस वीज़ा
F1 वीजा अप्लाई करने गए तो इस शर्तिया वो कैटागरी आ जिसे जो वीजा हासिल कर सकते हैं। हेलो सत श्री अकाल, स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। हां जी सत श्री अकाल जी। जी जी सर, मैंने कैनेडा टूरिस्ट वीजा का पूछना सी। की अपना प्रोफाइल दसोगे, की काम कर करदे हो, सिंगल हो, मैरिड हो, एज किन्नी जी? सर एक्चुअली मेरा नेम मेरे ब्रदर एंड भाभी जी का करवाना है गए। ओके, उन्होंने बारे में पूछना सी जी। उन्होंने मैं क्या सी क्योंकि मैं थोड़ी बहुत नॉलेज आई ना इस बारे में, कुछ पूछ के दस्ते। ठीक है जी। स्पॉन्सर आई हुई है उन्होंने। ओके, भाभी दे कुछ फैमिली च हैगे ने, उन्होंने कजन ब्रदर उन्होंने कोई हैगे आ, उन्होंने कोई मैरिज वगैरह उधर रिगार्डिंग स्पॉन्सर आई हुई। ओके, तो तुम्हारे ब्रदर काम कर की करदे ने इथे? मैं अपना ट्रांसपोर्ट का स्टेटमेंट और एक आमदन का जरिया कुछ ना कुछ दिखाना पेगा। सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेशन फीसां दे विच पा के तुसीं अपना वीजा लै सकदे हो और कैनेडा 10 साल तक दा वीजा दिंदा है। जलंधर ऑफिस आ सकते हो, सुल्तानपुर लोधी ऑफिस आ सकते हो। डिफेंस कॉलोनी बस स्टैंड दे नाल ही बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने लई, बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। सत श्री अकाल सर जी। जी हुकम तो गल कर रहे हो? जी जी शो तो बोल रहे हैं, हुकम करो की जानकारी चाहिए थी। यूएस का वीजा अप्लाई करना थी, स्टडी वीजा। अपना प्रोफाइल दसोगे मैम तुसी? सर लास्ट क्वालिफिकेशन मेरी प्लस टू है 2022। ओके हां जी, और आईएलटीएस स्कोर मेरा 6 है, नॉट लेस देन 5.5। वेरी गुड। किड़ी जगह तो बोल रहे हो तुसी? दाखला मिल सकता और इस समय अप्लाई करोगे तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी नाल दी नाल। ठीक है जी। सो $6,000 दी स्कॉलरशिप है, लाइक तुसी $6,000 सेव करोगे अपनी एजुकेशन दे उपर हर साल। ठीक है सर, अपॉइंटमेंट मिल रही है? अपॉइंटमेंट्स बथेरिया ने, अपॉइंटमेंट्स सितंबर दे विच बहुत ज़्यादा अवेलेबल ने और ये जो अपॉइंटमेंट्स का रौला सी सिलसिला सी वो तकरीबन खत्म हो चुका है। सो पिछले साल या इस साल दे मिड तक अपॉइंटमेंट्स की बहुत ज़्यादा रौला रहा, बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग रही है। सो स्टूडेंट्स नू हर प्लेटफॉर्म के उपर अपॉइंटमेंट्स खरीदते वेख्या गया है, बट वो फेज ओवर हो चुका है। अज के समय तैनू कोई तरीक खरीदनी नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई गलत काम करने की लोड़ नहीं है और ये फ्री दी अपॉइंटमेंट्स ने, अरे तकरीबन सारा साल इसे तरीके नाल मिलनगियां। ठीक है जी। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट्स नो कोई मसला नहीं इदा दा। ठीक है सर, कोई नहीं, मैं ऑफिस विजिट कर लेने, तुसी ऑफिस चे होगे? जी जी, तुसी ऑफिस आके मैनु मिल सकदे हो। सो तुसी जलंधर ऑफिस आ सकदे हो जां तुसी सुल्तानपुर लोधी ऑफिस आ सकदे हो, हर शनिवार तुसी मैनु सुल्तानपुर लोधी ऑफिस विच मिल सकदे हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सो दोस्तों नवी कॉल है, सो सत श्री अकाल। हेलो, हां जी सत श्री अकाल सर, अभिषेक गल कर रहे हैं रोपड़ तो। अभिषेक जी की जानकारी चाहते हो? सर मैं यूके वर्क परमिट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी थी। अभिषेक अपनी प्रोफाइल दसो, एजुकेशन दसो। मेरी सर बीटेक की थी हुई है, मैं 2018 च क्लियर हुई है। ओके, ते हुणी मैं रिजल्ट यूके वीआई दा टेस्ट भी दे दित्ता है, ओदे विच मेरे 6 पॉइंट आए आ। ओके, नॉट लेस देन 5.5। तेडी 23-24 साल दी उम्र है? हां जी, हां जी सर। इनी एक वद घट है? 23 साल उम्र है सर मेरी। हां, सो इस समय दे विच जेड़े 23 साल तो उपरले स्टूडेंट्स आ ओ डायरेक्ट जॉब्स दे उपर जा सकदे ने।
राइट और इहदे विच काफी चेंजेस ने काफी तब्दीलियां आई हैं फिर भी तुसीं अपने कागज भेजोगे इहदे जिहड़ी जिहड़ी कैटागरीज ने बेसिकली जो हेल्थ केयर वाले लोग ने उच आईटी दियां कंपनीज ने उच कंस्ट्रक्शन दियां कंपनीज ने सो जिथे भी इस किसी भी कैटागरी तुहानूं जॉब मिलदी है तो यस तुसीं इहदे विच जा सकदे हो लगातार काम कर जाते हैं तो इंडेफिनिट स्टे पा सकते हैं लगातार कंटीन्यूअसली पक्के हो सकते हैं फिर और इस कैटेगरी जिदा तुसी सिंगल हो इट्स ओके बट अगर तुसी मैरिड होंगे तुहाडी वाइफ जा सकती सी अगर तुहाडे बच्चे होंगे 18 साल तक के बच्चों की जिहड़ी वो नाल जा सकते हैं सो एक बड़ी अलग कैटागरी है जिहदे विच यूके ने इस समय के वीजा देने शुरू किए ने हालांकि इस टाइम बहुत सारिया रिस्ट्रिक्शनस लग गई ने सो 10 अगस्त तो पहला रूल्स बिल्कुल अलग सी हुण रूल्स बिल्कुल अलग ने सो पहला काफ़ी सुखाला सीगा सो सितंबर के आके ये थोड़िया जी टाइट होया बट स्टिल तुहाडा प्रोफाइल वेख के तय किया जा सकता है कि तुहानूं केस पाउणा चाहिए या नहीं जलंधर जां सुल्तानपुर लोधी ऑफिस आ सकते हो सो बहुत शुक्रिया कॉल करने लई सो सत श्री अकाल स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई तुसीं डॉक्यूमेंट भेजो तैनू असीं जगह भेजांगे कित्थे कित्थे उहदी ऑफर आ सकदी है विजिट करांगे ऑफिस तुहाडे चलो बहुत शुक्रिया कॉल करने लई जी बहुत शुक्रिया सत श्री अकाल सो दोस्तों इस समय दे विच भी कैनेडा दे विच जिहड़े एप्लीकेंट्स जाना चाहुंदे ने जनवरी दे विच हाली मौके हैगे आ सो हौली हौली नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वधदे जांदे ने और जिहड़ी है जिहड़े एप्लीकेंट्स ने उहदे च 5.5 वालों की फौज भी बहुत ज़्यादा आ सो 6 वालों नूं जिहड़े प्रेटी गुड चांसेस कि उन्होंने जिहड़ियां ऑफर्स मिल सकदियां ने सत श्री अकाल स्वागत है जी प्रोग्राम च हां जी सत श्री अकाल सर मैं अपना यूके दा स्टडी वीजा अप्लाई करना सी जी मैम क्यों कौन बोल रहे हो किहड़ी जगह तों बोल रहे हो सर मैं मोगे तों गल कर रही हां महक हां जी महक जी और की अपना प्रोफाइल दसोगे तुसीं मैनूं सर मैं प्लस 2 कीती होई है इस साल 86% मार्क्स आए होए आ ओके हां जी इन आईएलटीएस भी कितनी हुई है की आईएलटीएस की स्कोर है आईएलटीएस का स्कोर की मैडम तेरा सर ओवरऑल 6 बैंड आए हुए मेरे ओवरऑल 6 हैगे तेरे को सो महक असि शायद अगर सी क्विकली भेजोगे तो वी गॉट अ यूनिवर्सिटी साडे कोल नवंबर दे विच भी इनटेक ओपन है हाले ओके सो तुसी अपने नवंबर च जाना चाहोगे या जनवरी च जाना है फटाफट ऑफिस दर्शन दो अपने कागज भेजो ताकि नवंबर दी एप्लीकेशन असीं थ्रू कर सकीए ठीक है जी होर कोई जानकारी चाहुंदे हो
ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੀਕੌਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। कोई नहीं, उन्होंने आइलेट्स नहीं चाहिए, ऑलरेडी ग्रेजुएट ने, मास्टर्स ली जान गए, दो साल दी एमबीए ली जा सकते हैं वो, एंड प्रॉब्ली असी पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी दे जा सकते हैं यूएस दे विच, इट्स वेरी नॉर्मल। और इस समय अगर वो हुण अप्लाई करते हैं दैन $6,000 की स्कॉलरशिप हैगी है। ओके, ठीक है। सो उन्होंने भी तुम उन्होंने भी कागज भी सू भेज सकते हो, असं क्विकली उन्होंने एप्लीकेशन भी नाल दी नाल शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने ली। ओके जी, ओके। सो दोस्तों, कई बार वो सलाह देनी जरूरी है जिदे नाल बच्चों का भविख सवारिया जाता। सो अज के समय में अगर असं बिजनेस माइंड होकर गलबात करते हैं तो शायद इदा सलाहां नहीं दित्तियां जांदियां, पर अगर बच्चों के भविख के वाले पास्यों चीज़ों वेख्या जाए तो वह सलाहां जिहड़ियां उन्हां दे लई करीयर बिल्कुल पलटन वाली ने, उन्होंने बिल्कुल दायरा ही बिल्कुल चेंज हो जाना है, तो वह जरूर जानकारियां लैके जाओ। और इस शो का मकसद भी यही है कि पूरे पीटीसी परिवार को जां जिन्ने भी व्यूअर्स ने उस सारे परिवार को उन्होंने जानकारियां दे नाल रूबरू जरूर कर दे रही है जिहड़ियां तुहानूं लगातार चाहीदियां ने। सो दोस्तों, कॉल्स लैण का सिलसिला सानूं थोड़ी देर लई रोकना पवेगा, बट उहदे नाल नाल असीं प्रोग्राम तो बाद भी तुहाडियां कॉल्स दे जवाब दिंदे रहांगे। सो तुसीं सानूं लगातार इस नंबर के उपर कॉल कर सकदे हो, ईवन प्रोग्राम तो बाद तुसीं कदी भी कोई जानकारी लैणी होवे, मेरे नाल गलबात करनी होवे, इसे नंबर नूं तुसीं सेव कर लैणा, इस नंबर के उपर तुसीं कोई भी जानकारियां साडे नाल लै सकदे हो। सो अज दे लई इन्ना ही, फिर मिलांगे तुहाडे नाल नवी जानकारियां नाल, और असीं आस ते उम्मीद करदे हां कि तुहाडे बाहर जाण दे सफर विच असीं जरूर सहाई होवांगे। सत श्री अकाल।